हेलो गाइस, वेलकम टू एडवन कुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवन कुरन। आज के इस वीडियो में लोक साहित्य का जो सीरीज चल रहा है, तो लोक साहित्य में ही एक टॉपिक है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां को ही कहावत कहते हैं, तो लोकोक्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो व्याख्या के सहित रहेगा। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हम लोगों का जेएससी सीजीएल का नागपुरी का सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नागपुरी लोक साहित्य का वीडियो जो है इसको अपलोड किया जा रहा है। लोकगीत का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, लोक कथा का वीडियो अपलोड किया गया है। आज जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, आज का जो वीडियो है वो कहावत से रिलेटेड है। ठीक है, उसी को हम लोग लोकोक्ति भी कहते हैं, ठीक है, या प्रोवर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोकोक्ति कर माध्यम से क्यों जाति अथवा देश कर का जिनिस कर अध्ययन करल जाए सकेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विचारधारा, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी संस्कृति, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विचारधारा। लोकोक्ति के माध्यम से किसी देश की किसी समुदाय की विचारधारा को हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृत ने कहावत के का कहल जाएला। देखिए, नागपुरी में लोकोक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रवाद, ऑप्शन बी अभानक, ऑप्शन सी लौकिक गाथा, या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरे देवल शोभे। ये सारे जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी है वो लोकोक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति जन समूह के बिखरे हुए रत्न है, तो उपरे देवल गोइठ केकर हके। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कन्हैया लाल सहल, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्हैया लाल सहल। लोकोक्ति को इन्होंने जन समूह का बिखरा हुआ रत्न कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागपुरी कहावत के जो संग्रह उपलब्ध है ओकर आधार ने नागपुरी कहावत के कई भाग ने बांटल जाए सकेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, या फिर ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 भाग। 6 भाग में नागपुरी लोकोक्ति जो है या फिर नागपुरी कहावत जो है उसको हम लोगों ने विभाजित किया है। क्या क्या है उसको देख लेते हैं कि नागपुरी कहावत का जो संग्रह उपलब्ध है उसके आधार पर कहावत को 6 भाग में बांटा जाता है। पहला है सामाजिक कहावतें। सामाजिक कहावतों के अंतर्गत यह आता है जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक और सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी, ये कहावतें आती हैं। दूसरा है भाग्य संबंधी कहावत। तीसरा है खान पान संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी कहावत। चौथा है लोक विश्वास संबंधी कहावत। पांचवा है भाषा विज्ञान संबंधी कहावत। और छठा है प्रकीर्ण संबंधी। प्रकीर्ण का मतलब होता है फैलाव, विस्तार। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकीर्ण। तो इन 6 भागों में नागपुरी लोकोक्ति या फिर नागपुरी कहावत को विभाजित किया जाता है। आई होप आप इसको समझे होंगे। आइए आगे देखते हैं, राजनीतिक संबंधी कहावत हेठे देवल में से कौन लोकोक्ति के अंतर्गत आवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी लोक विश्वास कहावत, ऑप्शन सी भाषा संबंधी कहावत, या फिर ऑप्शन डी प्रकीर्ण कहावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक कहावत। जो राजनीति संबंधित जो कहावतें होती है ना, वो सामाजिक कहावत के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, उर्दू ने लोकोक्ति के का कहल जाएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शायरी, ऑप्शन बी जरबुल मिसल, या फिर ऑप्शन सी जुमला, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जरबुल मिसल। उर्दू में कहावत को या लोकोक्ति को जरबुल मिसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सत्येंद्र लोकोक्ति के कै भाग ने बाई ठकाए। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। तो डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो लोकोक्ति को 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन है उसको देख लेते हैं। पहला है गंभीर कथन से संबंध रखे वाला सामान्य कहावत। दूसरा है गंभीर कथन विषयक स्थान अथवा लोक विशिष्ट कहावत। और तीसरा है शैली वक्र लोकोक्तियां। ठीक है, शैली वक्र लोकोक्तियां का मतलब क्या होता है कि बोलने का तरीका जो होता है, बोलने का जो अंदाज होता है, उस पर भी कहावत कहा जाता है या उसके आधार भी कहावत को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा विभाजित 3 प्रकार की लोकोक्तियां। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन सामाजिक कहावत कर भेद नहीं लागेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए
नारी संबंधी, ऑप्शन बी स्वास्थ्य संबंधी कहावत, ऑप्शन सी जाति संबंधी कहावत, ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य संबंधी कहावत। तो देवल में से कौन सामाजिक कहावत का भेद नहीं है? तो सामाजिक कहावत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था नारी संबंधी होता है, जाति संबंधी कहावत होता है, भाग्य संबंधी कहावत होता है ना, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कहावत जो है वो सामाजिक कहावत के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न है, जनजीवन ने कहावत के कर समान है के, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीति शास्त्र के समान, ऑप्शन बी दैनिक दिनचर्या के समान, ऑप्शन सी परंपरा, या फिर ऑप्शन डी संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति शास्त्र के समान। जनजीवन में कहावत जो है वो नीति शास्त्र के समान होता है, ठीक है, इसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ शिक्षा देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधाव खोजे चार गो आंख कौन तरह के कहावत है के, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी स्वास्थ्य संबंधी कहावत, ऑप्शन सी प्रकीर्ण संबंधी कहावत, या फिर ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकीर्ण संबंधी कहावत। अंधाव खोजे चार गो आंख जो होता है ना वो प्रकीर्ण संबंधी कहावत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकोक्ति के कई भाग ने बाएं ठेकाएं, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी पांच, या फिर ऑप्शन डी दस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांच। कृष्णदेव उपाध्याय जो है लोकोक्ति को पांच भाग में बांटे हैं, कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। स्थान संबंधी लोकोक्तियां, ठाव संबंधी या फिर स्थान संबंधी लोकोक्तियां, जाति संबंधी लोकोक्तियां, प्रकृति एवं कृषि संबंधी लोकोक्तियां, पशु पक्षी संबंधी लोकोक्तियां और प्रकीर्ण संबंधी लोकोक्तियां। तो इस तरह से पांच भागों में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकोक्ति को बांटा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस सबको नोट डाउन करते रहिएगा, नहीं होता है आप लोग प्रिंट स्क्रीन लीजिए, और जिनको पीडीएफ मिल रहा है उनको तो खैर उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोकोक्ति कर शाब्दिक अर्थ हके, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोक कर उक्ति, ऑप्शन बी लोक कर व्यक्ति, ऑप्शन सी लोक कर युक्ति, या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल शोभे। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक कर उक्ति। लोक कर उक्ति है लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ। अच्छा, उक्ति का मतलब क्या होता है? उक्ति का मतलब होता है स्टेटमेंट, कथन, कथन को ही उक्ति कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकोक्ति हामिन के उपलब्ध है के, तो किस चीज में उपलब्ध होता है? गद्य में, पद्य में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में। तो गद्य में भी होता है और पद्य के रूप में भी लोकोक्ति उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति कर विषय कैसन होवेला, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकृति विशेष, ऑप्शन बी धर्म विशेष, ऑप्शन सी एक पक्षी, या फिर ऑप्शन डी बहुपक्षीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुपक्षीय, ठीक है। लोकोक्ति का विषय जो होता है वो बहुपक्षीय होता है, हर एरिया को कवर करता है लोकोक्ति, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम परमार ने लोकोक्ति के कई भाग ने बाएं ठेकाएं, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, या फिर ऑप्शन डी पांच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार। डॉक्टर श्याम परमार ने लोकोक्ति को चार भाग में बांटा है, कौन कौन सा है? एक है विषयानुसार बांटा है, दूसरा स्थानानुसार, तीसरा भाषानुसार और चौथा जाति अनुसार। तो इन चार भागों में डॉक्टर श्याम परमार ने लोकोक्ति को विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति कौन बेर कहल जाएला, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहान के, ऑप्शन बी सांझ के, ऑप्शन सी अवसर और घटना विशेष ने, या फिर ऑप्शन डी पर्व और त्योहार ने। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवसर और घटना विशेष में, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ऑप्शन डी को लेकर नहीं होना है, ठीक है। जो एग्जैक्ट और परफेक्ट आंसर है उसके ऊपर जाना है। तो इसका परफेक्ट आंसर कौन सा है? अवसर और घटना विशेष में। क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं सर पर्व भी तो एक तरह का अवसर है, त्योहार भी तो एक तरह का अवसर है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर होगा उस पे जाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवसर और घटना विशेष ने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोवर्ब कर संपादक कौन हकें, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन क्रिश्चियन, ऑप्शन बी जॉन मैथ्यू, ऑप्शन सी जॉन पीटरसन, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन क्रिश्चियन। जॉन क्रिश्चियन जो है वो बिहार प्रोवर्ब का संस्थापक है। प्रोवर्ब को ही तो कहावत कहा जाता है ना, कहावत को अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जॉन क्रिश्चियन कहावत के कई भाग ने बांटे हैं, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पांच, ऑप्शन बी छह, ऑप्शन सी सात, या फिर ऑप्शन डी आठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छह। तो जॉन क्रिश्चियन जो है कहावत को छह भाग में बांटे हैं, कौन कौन से हैं ये देखिए, मनुख कर कमजोरी त्रुटियों तथा अवगुण से संबंध, सांसारिक ज्ञान विषयक, सामाजिक ज्ञान विषयक,
जातियों की विशेषताओं से संबंध, कृषि और ऋतु संबंधी, पशु और सामान्य जीव जंतुओं से संबंध। तो इन छह भाग में कहावत कहा जाता है। देखिए पहले जो थे, जो ब्रिटिशर्स जो आए यहाँ पर, तो उन लोगों के पास ही अधिकार था कि किसी भी चीज को वो पब्लिश कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च किए यहाँ की बोलियों पे, यहाँ पे भाषाओं, यहाँ के कल्चर पे, और अपने अकॉर्डिंग जो उनका थॉट था ना, वो हम लोगों के ऊपर थोप के चले गए। ठीक है, तो जॉन क्रिश्चियन साहब भी उन्हों में से एक हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि कहावत को छह भाग में बांटा जाता है और वो ये सारे छह भाग हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सत्या गुप्ता कहावत के कई भाग में बांट हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। तो कौन कौन सा है सो देख लेते हैं। पहला है सामाजिक कहावतें। अब सामाजिक कहावतों के अंतर्गत भी चार प्रकार की कहावत में इन्होंने विभक्त किया है, जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक और सामाजिक व्यवहार और ज्ञान संबंधी। दूसरा है भाग्य संबंधी कहावत। तीसरा है खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी कहावत। चौथा है लोक विश्वास संबंधी कहावत। पांचवा है मनोवैज्ञानिक संबंधी कहावत। छठा है कथा संबंधी कहावत। सातवां है भाषा विज्ञान संबंधी कहावत। और आठवां है प्रकरण संबंधी कहावत। तो डॉक्टर सत्या गुप्ता जो है वो कहावत को 8 भाग में बांटे हैं। है सोनारक 100 कुटासी, लोहारक एक घाना, देवल कहावत को कौन लोकोक्ति के अंतर्गत आवेला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी लोक विश्वास कहावत, ऑप्शन सी भाषा संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी जाति संबंधी कहावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाति संबंधी कहावत। यहां पर आप देख रहे हैं सोनारक और लोहारक की बात की जा रही है, तो ये जाति संबंधी कहावत है। अगला प्रश्न है, कने राजा भोज कने गंगुआ तेली कौन तरह कर कहावत थके? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी लोक विश्वास कहावत, ऑप्शन सी ऐतिहासिक कहावत या फिर ऑप्शन डी जाति संबंधी कहावत। तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक कहावत। आप लोग यहाँ पर बोलिए कि सर यहाँ पर तो गंगुआ तेली लिखा हुआ तो जाति संबंधी में आना चाहिए, लेकिन नहीं, इस तरह का जो है ना राजा भोज और गंगू तेली ये ऐतिहासिक कहावत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, छां बैठल लागे धाम हाथी ऊपर कुकुर काटे कौन तरह कर कहावत है के? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी लोक विश्वास कहावत, ऑप्शन सी ऐतिहासिक कहावत या फिर ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। देखिए होता है ना कि छांव में बैठे हुए हैं लेकिन भी धूप लग रहा है, और हाथी के ऊपर भी बैठे हुए हैं लेकिन कुत्ता काट दे रहा है, तो ये भाग्य से संबंधी कहावत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खिचड़ी कर चार ईयर दही पापड़ चटनी और अचार बहुत लोकप्रिय है, सबको जानते होंगे इसके बारे में, कौन तरह कर कहावत है के? सामाजिक कहावत, लोक विश्वास कहावत, खान पान और स्वास्थ्य संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खान पान और स्वास्थ्य संबंधी कहावत। अगला प्रश्न है, टेटंगा कूदे झांटी तरी कौन तरह कर कहावत है के? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी लोक विश्वास कहावत, ऑप्शन सी जीव जंतु संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीव जंतु संबंधी कहावत। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति मानव ज्ञान के चोखे एवं चुभते हुए सूत्र हैं तो ऊपरे देवल गोइट किकर है के? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर सत्यागुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सत्यागुप्त। अगला प्रश्न है, तीन कोस कर बदले पानी और सात कोस पर बानी कौन तरह कर कहावत है के? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी लोक विश्वास कहावत, ऑप्शन सी भाषा संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा संबंधी कहावत। कहावत किस तरह से, तीन कोस पर बदले पानी और सात कोस पर बानी। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि आप जैसे जैसे जगह चेंज कीजिएगा ना तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मिलता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बोली और डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं मिलती हैं, तो उसी को लोकोक्ति के रूप में इस तरह से बतलाया जा रहा है। तो ये किस तरह का है, तो भाषा संबंधी कहावत है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति कर रचना कर पीछे का जिनिस कर व्यापक दृष्टि होवेला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी लोकमानस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकमानस। अगला प्रश्न है, दूधो नहाओ पूतो फलो कौन तरह कर कहावत है के? ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी स्वास्थ्य संबंधी कहावत, ऑप्शन सी भाषा संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी प्रकीर्ण संबंधी कहावत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्ण संबंधी कहावत। अगला प्रश्न है, नागपुरी लोक साहित्य ने बिखरल रत्न का है के?
तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी लोक कथा, ऑप्शन सी लोकोक्ति या फिर ऑप्शन डी लोकगाथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकोक्ति। लोकोक्ति जो है उसको बिखरल रत्न का भी संज्ञा दिया गया। अगला प्रश्न है कुकुर कर भुकले बदरी फाटी कौन तरह कर कहावत है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी पशु पक्षी संबंधी कहावत, ऑप्शन सी भाषा संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी प्रकृति संबंधी कहावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशु पक्षी संबंधी कहावत। कुकुर कर भुकले बदरी फाटी का इसका मतलब क्या होगा कि कोई असमर्थ वाला आदमी जो है वो सामर्थ्यवान आदमी का निंदा कर रहा है, ठीक है। तो उस समय इस तरह से बोला जाता, कहा जाता है ना कि हाथे चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार, ऐसे ही बोला जाता है। तो उसी का तरह है ये कुकुर कर भुकले बदरी फाटी का। अगला प्रश्न है सब मछली बेंग होलक कौन तरह कर कहावत है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी पशु पक्षी संबंधी कहावत, ऑप्शन सी भाषा संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। सब मछली बेंग होलक इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका करा धरा काम जो है आपने काफी मेहनत किया और उस काम में पानी फिर गया, तो उस समय इस तरह का कहावत हम लोग बोलते हैं कि सब मछली जो था ना वो बेंग हो गया। बेंग का मतलब होता है मेंढक, ठीक है। तो वो भाग्य संबंधी कहावत है कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बहुत भी मेहनत की और मेहनत पानी में फिर गया, तो उस समय इस तरह का कहल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है उपदेश देवक ने का जिनिस के कहल जाएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कहावत, ऑप्शन बी कब नहीं, ऑप्शन सी लोकोक्ति या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। देखिए लोकोक्ति कबनैत कहावत सब एक ही चीज है, ठीक है। बस नागपुरिया में हम लोग कहावत और कबनैत बोलते हैं, हिंदी में लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। अगला प्रश्न है सैतीन कर साल नहीं अरे सहाल कौन तरह कर कहावत है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी नारी संबंधी कहावत, ऑप्शन सी भाषा संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारी संबंधी कहावत। अगला प्रश्न है लोकोक्ति के नागपुरिया में का कहल जाएला। तो आपके ऑप्शन है कहावत, ऑप्शन बी कब नहीं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है लोकोक्ति रूढ़ होती है फिर वही अनेक बार अपनी लोकप्रियता के कारण साहित्य की भाषा में अपना आसन जमा लेती है ऊपरे देवल गोइट के कर हकिया। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कन्हैया लाल सहल, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्हैया लाल सहल। अगला प्रश्न है एकर रचनाकार अपन आस पास जे कुछ देखे ना सुने ना ओहे लोकोक्ति कर रचना कर देवे ना। तो ऊपरे देवल गोइट कौन लोकोक्ति से संबंधित है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी स्वास्थ्य संबंधी कहावत, ऑप्शन सी प्रकीर्ण संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी भाग्य संबंधी कहावत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकीर्ण संबंधी कहावत। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रकीर्ण का मतलब होता है विस्तार, किसी भी चीज का विस्तार आपके समाज में क्या है। तो इस तरह का जो कहावत होता है प्रकीर्ण संबंधी कहावत, उसको क्या करते हैं रचनाकार लोग देखते हैं सुनते हैं कि किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, भाषा किस तरह का है, ठीक है, और उसी को लोकोक्ति का रूप दे देते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रकीर्ण संबंधी कहावत। अगला प्रश्न है गोंदली सरे तो आम झरे ऊपरे देवल गोइट कौन लोकोक्ति से संबंधित है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक कहावत, ऑप्शन बी स्वास्थ्य संबंधी कहावत, ऑप्शन सी प्रकरण संबंधी कहावत या फिर ऑप्शन डी कृषि संबंधी कहावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि संबंधी कहावत। गोंदली, गोंदली का मतलब क्या होता है ना, गोबर गढ़ा को हम लोग गोंदली कहते हैं, मांद गढ़ा गोबर गढ़ा या गोंदली ऐसे कहा जाता है, जहां पर हम लोग पशुओं का जो गोबर फेंकते हैं ना जमा करते हैं, कहे कि उसी को फिर वही जब सड़ता है तो वो खाद बनता है, उसी खाद को हम लोग अपना बारी में खेत में देते हैं तो पौधा जो होता है जो फसल होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए गोंदली सरे तो आम झरे जो लोकोक्ति है वो कृषि संबंधी कहावत है, ठीक है। अगला प्रश्न है देवल में से कौन लोकोक्ति कर विशेषता है के। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी पद्य, ऑप्शन सी अलंकार शैली या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलंकार शैली। अगला प्रश्न है अंडा नहीं फूटे चरण उड़े ऊपरे देवल कहावत कर का माने आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंडा फूटे, ऑप्शन बी चरण उड़े, ऑप्शन सी अफवाह फैलक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफवाह फैलक, अंडा नहीं फूटे और चरण उड़े। देखिए होता है ना कि अंडा फूट भी नहीं किया तो अंडे फूट के ना चरण निकलता है,
और अंडा फूट भी नहीं किया और चराई उड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है कहावत, उसका मतलब होता है अफवाह फैलाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनगरजू कर सेंदूर नेवाड़ी ने देवल कहावत कर का माना है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन है सेंदूर डाले, ऑप्शन बी ब्याह करे, ऑप्शन सी अफवाह फैलावे, या फिर ऑप्शन डी बेमन से काम करे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेमन से काम करे। तो उसी को कहते हैं अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी ने, ठीक है। इसका एक इस तरह से बोला जाता है बेमन कर, कैसे तो बोला जाता है, कहा जाता है ना कि इसको देखिए इस तरह से भी बोला जाता है कि बेमन कर सिंदूर कनपट्टी पर पड़े, ठीक है। तो मतलब बिना मन का जो काम किया जाता है ना उसी को इस तरह से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अर्खे कर नौवा बांस कर नरहिनी, अच्छा देवल कहावत कर मने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ना समझ से काम लेवे, ऑप्शन बी नौवा से बाल बनवाए, ऑप्शन सी अफवाह फैलावे, या फिर ऑप्शन डी बेमन से काम करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ना समझ से काम लेवे। तो अर्खे कर नौवा बांस कर नरहिनी, तो इसमें होता क्या है ना, कोई कम जानता या फिर कोई नासमझ आदमी है और वो किसी दूसरे को ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो उस तरह के केस में इस तरह से बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि ना समझ से काम लेवे। तो ये है लोकोक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब देखिए इस तरह का जो है ना कि अर्खे कर नौवा बांस कर नरहिनी, मतलब इस तरह का कहावत का जो और भी बहुत सारे कहावत है, तो वो सबको मैं क्या करूंगा पीडीएफ में डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो में डालने से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पीडीएफ में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।